नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज 19 फरवरी का दिन है। अगर हम पिछले 24 घंटे की वर्षा और बर्फबारी की बात करें तो ज़्यादातर स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिली है जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में, और सबसे ज़्यादा वर्षा 6 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा जम्मू कश्मीर में बनिहाल में देखने को मिली है। वहीं 5 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा लाहौल स्पीति जिले हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के मुख्य बिंदुओं की तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आदि शामिल हैं, वहाँ 21 फरवरी तक ये एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। और इसके साथ साथ वर्षा का दौर 19 से 21 फरवरी के बीच में जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के वहाँ पर बने रहने की संभावना है। अगर हम निम्न तापमान की बात करें तो निम्न तापमान उत्तर भारत में 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के स्तर के दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि अपनी सामान्य स्थिति से या तो सामान्य या सामान्य से ज़्यादा स्थिति में है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो ज़्यादातर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान या तो सामान्य या सामान्य से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हम आज के चुनौती सिस्टम की बात करें तो जैसा कि कल हमने देखा था एक पश्चिम विक्षोभ था, आज भी अफगानिस्तान के आसपास एक ट्रैप के रूप में मध्य क्षोभ मंडल में देखा जा रहा है। वहीं एक दूसरा साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में पश्चिम विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के आसपास है, जो आज शाम तक एक दूसरे में मिलने की संभावना है। इसके अलावा एक इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन भी है जो कि अभी मध्य पाकिस्तान के आसपास है। इसके अलावा अनुकूल परिस्थिति के चलते, हवाओं के चलते मॉइस्चर जो नमी है लगातार अरब सागर से उत्तर पश्चिम भारत में जा रही है। इसके प्रभाव में आने वाले अगर हम 5 दिन की वेदर की बात करें तो मुख्य रूप से 2 दिनों में ओलावृष्टि की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा में। इसके अलावा अगर हम कल की बात करें 20 तारीख को तो ये एक्टिविटी कमोबेश जारी रहेगी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। इसके अलावा बाकी के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो उत्तरी मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, इसके अलावा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, वहाँ पर भी गस्ती विंड, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी देखने को मिलने की संभावना बनी हुई है आज और कल मुख्य रूप से। अगर हम इसकी स्थाय की बात करें तो ओलावृष्टि की दृष्टि से ये एक्टिविटी आगे बढ़ेगी। इसको देखते हुए बिहार और सिक्किम के रीजन में 21 तारीख को ओलावृष्टि की वार्निंग दी गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से, और 22 तारीख से इसमें कमी आएगी, इसलिए 22 और 23 तारीख में ओलावृष्टि की कोई चेतावनी अभी जारी नहीं की गई। अगर हम वर्षा और भारी बर्फबारी की चेतावनी की बात करें तो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल, यानी कि भारी से भारी वर्षा और हिमपात होने की संभावना है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, और भारी वर्षा हिमपात जो है उत्तराखंड में हो सकता है, और भारी वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट में उत्तरी पंजाब में भी आज होने की संभावना रहेगी। अगर हम 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख कमोबेश स्थिति वैसी ही रहेगी, लेकिन भारी वर्षा की इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आती हुई दिख रही है, इसलिए भारी वर्षा जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 20 तारीख को भी बने रहने की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम के जो बाकी के क्षेत्र हैं, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इन सभी क्षेत्रों में आज और कल हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा खुद से कई स्थानों में देखने को मिल सकती है। 21 तारीख को भी ये एक्टिविटी जारी रही, हालांकि इंटेंसिटी में कमी आती हुई दिख रही है। 21 तारीख को भारी वर्षा और भारी हिमपात सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है, और 22 तारीख को पूर्वोत्तर के राज्यों में, उसके साथ साथ सिक्किम में भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावना है। 23 तारीख को भी एक्टिविटी कम होगी, हालांकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र में भारी वर्षा 23 तारीख को भी मिलने की संभावना है। अगर हम ये जो स्पेल चल रहा है आज 21 तारीख तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके जो मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, यहाँ के किसान भाइयों से विशेष अनुरोध रहेगा कि आने वाले स्पेल को देखते हुए अपने यथोचित जो सावधानियाँ हैं वो बरतें, और जो हमारी क्रॉप ऑलरेडी काट रखी, जो फसल कटी हुई रखी, उसको अपने ढके हुए जो सुरक्षित स्थान वहाँ पर ले जाएँ। हेल नेट अगर संभव हो तो जो ओला के लिए जो नेट होता है वो लगाने की कोशिश करें। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो पत्तों के ऊपर भारी बर्फबारी जो हो रखी है उनको यथाशीघ्र हटाने की कोशिश करें। इसके अलावा जो एक्सेस रेनफॉल है, जहाँ पर भारी पानी ऑलरेडी भर गया, उसको ड्रेन आउट करने की कोशिश करें, उसको भी खाली करने की कोशिश करें। और आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए हमारे फेसबुक, एक्स और हमारे विभिन्न माध्यम, चाहे वो वेबसाइट हो mausam.imb.gov.in, इस पर हम लगातार अपनी जानकारी साझा करते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।